एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेशकों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किशनगंज में चाय फैक्ट्रियों को बिजली नहीं मिलने से इसका सीधा असर टी प्रोसेसिंग प्लांट पर हो रहा है। चाय फैक्ट्रियों के साथ साथ चाय बागान के मालिकों पर भी इसका असर पड़ रहा है। चाय फैक्ट्री के मालिक इमरान बताते हैं कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने से फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री चलाने के लिए कम से कम 6 घंटे बिजली चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विभाग वो भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जितना हम लोग परेशान हैं फैक्ट्री वाला के साथ साथ किसान भी काफ़ी परेशान है। किसान जो अपने फैक्ट्री में जिस मशीन से स्प्रे करते हैं वो उसको भी चार्ज करना पड़ता है, उसको भी लाइट का ज़रूरत पड़ता है। लेबर उनको भी लाइट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो अपना स्प्रे मशीन को अगर चार्ज नहीं करेंगे तो बगान में स्प्रे नहीं कर पा रहा है। तो किसान से लेकर के मजदूर और इंडस्ट्रियल वाला इतना त्रस्त हैं, खास करके पोटिया में अगर लाइट आती भी है तो कब चली जाती है आपको कहना मुश्किल है। तो इंडस्ट्री चलाने के लिए कम से कम 6 घंटा कंटिन्यू लाइट हो, वो भी नहीं। अगर आया तो 10 मिनट के बाद फिर लाइट ऑफ हो जाता है, 20 मिनट के बाद फिर लाइट ऑफ हो जाता है। ये हालत रहने से हम अपने इंडस्ट्री को बेचना भी चाहते हैं तो कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ पर किशनगंज में आज हम अपना इंडस्ट्री बेचना चाहते हैं तो कोई लेने वाला नहीं है। हम अपना EMI कहाँ से चुकाएंगे, हम अपने फैक्ट्री को कैसे बचाएंगे? तो मैं यहाँ की सरकार, बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, खासतौर से किशनगंज DM से अनुरोध करता हूँ कि आपके हस्तक्षेप से ही ये लाइट ठीक हो सकती है, वरना हम लोगों को फैक्ट्री बंद करके बंगाल में चले जाना पड़ेगा। बताते चलें कि किशनगंज में पिछले कुछ दिनों से बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। इसको लेकर बुधवार को किशनगंज शहर के होटल दफ्तरी पैलेस में बिहार टी प्रोसेसर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें टी प्रोसेसिंग यूनिट के मालिकों ने बिजली विभाग से विद्युत आपूर्ति नियमित करने के लिए ठोस पहल करने की मांग की। आपको बता दें कि किशनगंज बिहार का इकलौता जिला है जहां चाय की खेती होती है। किशनगंज में चाय की खेती के जनक माने जाने वाले उद्योगपति राजकरण दफ्तरी बताते हैं कि किशनगंज जिले का चाय उद्योग बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है, लेकिन बिजली की लचर व्यवस्था से ये उद्योग जूझ रहा है। किशनगंज जिले का चाय उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। आज चाय उद्योग जूझ रहा है, कारण कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर पोठिया में देखा जाए तो 12 दिनों से ही लाइट नहीं है। ठाकुरगंज में कुछ लाइट है, मगर ये पोठिया और ठाकुरगंज आज चाय के इंडस्ट्रीज का बेल्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने के चलते काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे इन फैक्ट्री वालों को, चाहे किसानों को। चाहे किसानों की पत्तियां जो फैक्ट्री में नहीं बिक रही है तो उनको बंगाल ले जाना पड़ रहा है, जहाँ कि उनको 5 रुपये कम में ही पत्ता बेचना पड़ रहा है। अगर ये स्थिति में सुधार नहीं आता है तो काफ़ी परेशानी है आने वाले समय में। जिस तरह अगर ये अभी तो बूंदाबांदी चालू हुई है तब ये स्थिति है इलेक्ट्रिक की, बारिश में क्या होगा पता नहीं। अगर यही स्थिति रही तो ठाकुरगंज और पोठिया की टी इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाएगी, जबकि नए रोजगार और नए इंडस्ट्रीज लगाने का जो एक सरकार का सपना है वो कभी साकार नहीं हो पाएगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी की ये जो भी व्यवस्था है उसमें सुधार ना हो। और जहाँ तक देखा जाए पोठिया और ठाकुरगंज आने वाले समय में चाय इंडस्ट्रीज ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग है और अन्य इंडस्ट्रीज यहाँ आ सकती है, मगर जो इलेक्ट्रिक की स्थिति है उसको देख कर बाहर के भी जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और घर से जो भी वेस्टेज समय मतलब मटेरियल भी वेस्टेज हो रहा है, जो भी पाइप पकती है, देखा जाए तो डेली लाखों रुपए का एक एक फैक्ट्रियों को लॉस हो रहा है। सीजन के समय में ये इतना बड़ा लॉस होना अपने आप में बहुत ही बड़ा नुकसानदेह है, और लोगों की हिम्मत प्रस्त हो गई है जो टी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके अगर देखें तो आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी से जब संपर्क करें क्या कहना है? बिजली विभाग की देखा जाए तो इस साल जितनी स्थिति खराब है पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। हमको लग रहा है कि यहाँ बिजली विभाग में जो भी पदाधिकारी बैठे हैं काफ़ी लच्चर व्यवस्था है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं देखने को मिला था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा किसानों की। अभी जो किसानों की हालत होके रखी है कि वो जो भी पत्तियाँ उगा रहे हैं उनका उनको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ की सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है। उनको मजबूर होकर बंगाल में जाके कम रेट पे अपनी पत्तियों को बेचना पड़ रहा है और पत्तियों को फेंकना पड़ रहा है। और आज इंडस्ट्री की जो हालत होके रखी है, बिजली नहीं हो पाने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12% बढ़ गया है, क्वालिटी का डिटेरियोरेशन होने के कारण जो
दाम हमें पहले मार्केट में मिलते थे उससे करीबन 10-12% रेट कम मिल रहे हैं, तो चाय उद्योग बहुत गंभीर संकट से और बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहा है ड्यू टू बिजली की वजह से, पूरी तरह से बिजली की वजह से। जिला प्रशासन से मिलेंगे इसको लेकर क्या? हाँ, हम जिला प्रशासन से मिलेंगे और अनुरोध भी करेंगे, और साथ ही हम लोग पटना स्तर पर भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, जिसके अंतर्गत चाय से संबंधित सारी गतिविधियों का संचालन किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, उन सब से हम निवेदन करेंगे कि इस समस्या का त्वरित निदान करवाएं। बिजली की हालत नहीं सुधरी तो अभी फैक्ट्रियां कई दिनों से बंद पड़ी है, ये जो अभी टेम्परेरी शटडाउन है, कहीं परमानेंट शटडाउन नहीं हो जाए और कहीं लोग यहाँ से अपने उद्योगों को उठाकर बंगाल में शिफ्ट करने का ना सोचें, ये एक चिंतन का विषय है, क्योंकि हमसे 200 मीटर की दूरी पर ही बंगाल की फैक्ट्रियां चल रही है, जहाँ मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के बिजली आ रही है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने से जिले के ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड में लगभग एक दर्जन फैक्ट्री बंद पड़ी हैं। चाय बागान के मालिकों को पश्चिम बंगाल की फैक्ट्रियों में चाय की पत्तियों को कम दाम में बेचना पड़ रहा है। चाय फैक्ट्री के मालिक राहुल कुमार ने बताया कि बिहार में बिजली की यही स्थिति रही तो नए उद्योग तो स्थापित होना दूर, जो उद्योग पहले से चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 10-12 टी इंडस्ट्री है और आने की स्थिति में है, लेकिन हम लोग ने जिनसे भी संपर्क हुआ हमने मना किया कि घर जगह जमीन बिक जाएगी अगर यहाँ पर लगा लीजिएगा फैक्ट्री। तमाम फैक्ट्री आने के लिए सोच रही हैं, लेकिन जो परिस्थिति है खासकर के इस साल इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था, बहुत बुरा हाल है। चाय ऐसा चीज़ है आने के 10 घंटा बाद उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, लाइट ही नहीं है तो हम लोग प्रोसेसिंग कहाँ से करेंगे। बिजली की यह हालत है, जनरेटर पर चला नहीं सकते, 12-15% ऊपर से खर्चा बढ़ता है, पत्ती हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, पत्ती बंगाल जा रहा है, हम लोग से ज़्यादा किसान लोग का बुरा हाल है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, रोजगार कहाँ से दे पाएगा आदमी। दूसरे को बुलाने की बात कर रहा है सरकार, जो है उसको तो संभाल लें पहले। कोई 8 बजे का लाइट कट गई तो कोई प्रशासन, कोई उठाने वाला फोन नहीं है कि बिजली आएगी कि नहीं आएगी, कोई बताने वाला नहीं है। राज्य सरकार तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मतलब अनुदान वगैरह भी दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग को तो बोल रहे हैं जो फैक्ट बात है, क्या दे रही है नहीं दे रही है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जो फैक्ट है, आप 10 फैक्ट्री है, 10 के ऑनर से जाके बात कीजिए, समझिए। यहाँ के जो छोटे किसान हैं उनकी पत्तियाँ हम लोग ले पा रहे हैं, हमारे नहीं लेने के कारण बंगाल में सस्ता पत्ती जा रहा है, उनको अलग नुकसान हो रही है। इस मामले को लेकर बिजली विभाग के विद्युत अधीक्षण अभियंता केवल विकास चंद्र से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किशनगंज में बिजली की समस्या है ही नहीं। उन्होंने कहा कि पहले जो समस्या आ रही थी उसे दुरुस्त कर लिया गया है और पूरे जिले में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। हमारी सारी समस्या हम लोग दूर कर लिए हैं और हमारा पावर स्मूथ चल रहा है पूरे ज़िले में, अब कोई दिक्कत नहीं है और आगे हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग पावर स्मूथ दें। कितने की आवश्यकता है, कितना मिल पा रहा है? हम लोग का अभी फुल पावर मिल रहा है, पावर का लो ये इशू अभी नहीं है।